मम्मी को सुंगाने यहाँ लगे। अच्छा सुंगाओ नानी को, नानी को सुंगाओ। अच्छा क्या है उसके अंदर है? पॉटी? फिर से सुंगाओ नानी को। क्या है जी? अच्छा फिर से सुंगना। किसकी पॉटी है वो? किसकी पॉटी है? यहाँ पे मम्मी मट्ठा में तड़का लगाते हुए दाल मैंने बना दी है, और ये आप देख सकते हो मम्मी ने इसमें डाला है तेल और जीरा। कहाँ है मट्ठा अक्चू? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो हम भी एकदम वेल एंड गुड है। सो गाइज, आज का व्लॉग ना आपको बाहर देख के पता लग रहा होगा कब से स्टार्ट हो रहा है। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है रात से। अभी टाइम हो गया है कितना, 6:30 हो रही है, और मेरी बहन हमें कॉल करके बोल रही है, कि इधर आओ इधर आओ अक्षु को लेके। तो बस अभी हम जा रहे हैं, मतलब मस्तू के ससुराल जा रहे हैं, और अभी भी उसी का फोन आ रखा है। हम उसको ऐसे कह रहे कि हम नहीं आ रहे। तो बस अभी निकलते हैं, बिन्नू आ रहा है गाड़ी लेके, और चलते हैं गाइस और दिखाते हैं आपको मस्तू। और अभी हमारे साथ जा रही है ईशू, जा रही है कहाँ है ये, जबरदस्ती इसको हम लेके जा रहे हैं। चल भाई, सब्जी खिली कहाँ कितना नहीं सब्जी कुछ भी रख दी। मैं तुम पागल हो गया, मैं बटन फिर खोले फिर कैन बंद करे इसे, फिर बोले एक बार। और हमने इसको ऐसे ब्लैकमेल किया कि अगर तू हमारे साथ नहीं जाएगी तो हम ना तेरे ससुराल भी नहीं आएंगे। तो ये जबरदस्ती जा रही है लड़की, इसको हम खींच खींच के लेके जा रहे हैं। ससुराल वालों का मान सम्मान करना पड़ता है। माय गॉड, इतना तो हमारा भी नहीं कर रही है हमारे साथ, सिर्फ इसलिए जा रही है कि हाँ ताकि मेरे ससुराल भी आए। अरे इनको हमारे मेरे बगैर ना पछता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, सांस तक नहीं ले पाते बेचारे। वही तो, बस जबरदस्ती चल चल आ तू भी आ तू भी आ, ऐसी जबरदस्ती है, ऐसी जबरदस्ती कौन करता है यार। अरे भाई, कौन मेहमान, कौन बुलावे वाले, कौन मेहमान, कौन जबरदस्ती मेरे को एंटर है वहाँ बीच में। अरे भाई चल, तो उठो चलो लगा था। अरे कोई एक एंटरटेनमेंट करने वाला भी तो होना चाहिए ना, वैसे तो है मतलब बहुत सारे। हाँ बैल लगाई, चलो अभी चलते हैं। अरे यार मैं तो रखते हैं अभी कुछ खाने पीने की चीजें, और अक्षु को भी मैंने कप का रेडी कर दिया था। और अक्षु अपनी कार दिखा दो ना। हैं? और ये देखो उसकी मौसी आज एक और उसके लिए कार लेके आई है। भगवान, मुझे लग रहा है ना ये कार का वो खोलेगा शोरूम। अक्षु तो दिखाओ कार, तो दिखाओ क्यों पहनने पहनने, हम कहाँ जा रहे हैं? चलो मौसी के यहाँ चलना है क्या पहनने? अच्छा पन्नी, ठीक है उठाओ। मैं सोच रही क्या बोल रहा है ये, पहनने पहनने कार की पन्नी के लिए हो रहा है पहनने। चलो आ जाओ, चलो 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 कम। सो गाइस यहाँ पे मैं पैक करवा रही हूँ मिक्स मिठाई, और ये देख सकते हो आप, ऐसे तो ऐसे बोल रहे हैं फ्रेश मिठाई है तो खा के ही पता चलेगा। और मस्तू के लिए रखती हूँ चॉकलेट, देखती हूँ कौन सी चॉकलेट रखनी है। बाकी अभी ईशू और अक्षु गाड़ी में ही है। ये देखो गाइस, ये यहाँ पे ना वह गली में वेट कर रही थी हमारा। चल रहे दीदी प्रणाम है, हेलमेट ठीक है, गौड़िया खन में छू जल, नमस्ते पैर नमस्ते कर मेरे। ये देखो शादी के बाद यही होता है माम, पूरा ये मैं ना तो आया माए एक जोला तो बस ऐसी यार। ये देखो नमस्ते करो, नमस्ते करेगी तो गाड़ी पर इतना टक लग पड़ी है। और गाइस आप ये देख सकते हैं यहाँ पे नई दुल्हन चाय बना रही है। ये देखो हरे पान को ज्यादा बढ़ू नहीं मस्त, अरे वो भी मैं परे पान को ज्यादा बढ़ू नहीं मैं। सो गाइस अभी यहाँ पे सास जी ने जला दी है आग, और यहाँ पे तब तक मैंने तड़का लगा दिया है। और ये यहाँ पे है तड़ और आलू मिक्स करके, और ये यहाँ पे देखो सास जी हमारे लिए इतना खाना बना रही है जैसे कि हम ना पता नहीं कहाँ से आ रहे होंगे।
तो अभी इसमें बन रही है पत्ता गोभी। ताजी नमक मिर्च लेके आई, बस हमने सिर्फ चूल्हे में डाली है, हमने बनाई नहीं है। और ये देखो यहाँ पे दुल्हन, यहाँ पे केक क्या मांग, सिर्फ पिंडा की बाल्टी। अक्षु कहाँ लेके जा रहे हो? अक्षु को देखो यहाँ पे, अक्षु कहाँ होगा? ये देखो, और यहाँ पे वैसे तो अक्षु सास जी के पास नहीं जा रहा था, बट जब सास जी ने बोला मैं भैंस के पास जाऊंगी, तो अक्षु ना फटाफट चले गए सास जी के पास कि मुझे भी हाथ लगाने को मिल जाएगा। अक्षु वैसे है बहुत चालाक, और यहाँ देखो अक्षु ने भी यहाँ पे हाथ लगाया, अक्षु को बहुत मजा आ गया। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हमने कल का व्लॉग तो एंड नहीं किया था, और वो एंड इसलिए नहीं किया था क्योंकि हमने बातों बातों में खाना खाने के बाद हमने बातों में ही बैठ गए, फिर बातों बातों में ही हमने शादी की भी वीडियो देख ली, और ऐसे में ही 12:01 बज गई। तो बस फिर मैंने वीडियो की एंडिंग नहीं करी, और अभी हो गया है क्या दिन, और मस्तू बना रही है हमारे लिए खाना। ये चुटिया ऐसे ऐसे करने की आदत कहाँ से पड़ गई होगी मेरे, जैसे कितने लंबे बाल होंगे, इतने बढ़ गए मेरे बाल। सो गाइस, यहाँ पे मौसम बिल्कुल ऐसा हो रखा है ना, अभी इतनी तेज धूप थी ना, मतलब गर्मी लग रही थी, और एकदम से अचानक से मतलब मौसम ना चेंज हो गया कि ठंडा हो गया। तो मैंने अक्षु का कैप वैप पहनाई, उससे फेंक दी, और सच में कल रात को तो इतनी गर्मी लग रही थी ना, अक्षु को इतना ज़्यादा स्वेटिंग हो रखा था ना, मैं रात में पता नहीं कैसे ही गर्मी लगेगी। सो अभी मस्तू ने दाल छोंक दी है, और मस्तू कह रही आज ऐसे करते हैं ना, पुलाव बनाते हैं, क्योंकि इसे मेरे पुलाव खाने का मन है, तो पुलाव बनाते हैं। दाल हमने ससुर मतलब मस्तू ने ससुर जी के लिए बना दी है, और ईशु महारानी तो सुबह सुबह उठ के ही भाग गई, क्योंकि उसको जाना होता है ऑफिस, तो वो ऑफिस के लिए निकल गई। और यहाँ से देखो आप कितना अच्छा व्यू लग रहा है, तो बहुत ठंडी हवा चल रही है, यहाँ से भी ठंडी हवा, यहाँ से भी ठंडी हवा। और अक्षु का कारोबार मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे है जस्ट रोड के बगल में मकान है, और ये आप देख सकते हो सुंदर वादियों के साथ, यहाँ से भी ठंडी हवा आ रही है, और मौसम देखो ना, मतलब मैं तो ऐसे शॉक्ड हो गई, मैं कहीं इतना ठंडा कैसे हो गया मौसम, बादल बादल छा गए, और यहाँ से भी ठंडी हवा आ रही है। और अक्षु तो ना भैंस को देख के ही खुश हो गया, यहाँ पे देखो अक्षु ने उठाया जग, और नल में तो पानी नहीं आ रहा, और मेरे को बोला माँ पानी दे दो। अक्षु अक्षु इधर तो देखो, अक्षु अक्षु तो लड़की लग रही है, अक्षु के वो मुंह में बाल आ रहे हैं ना बार बार, तो मैंने ना उसकी वो क्लिप लगा दी। अक्षु अक्षु इधर देखो, एक बार और दो, माँ ना आपको वो देगी, मम देगी जग, जग दे दो मुझे, ये देखो मम देना है। अच्छा भैंस देखनी है आपको, चलो भैंस भैंस देखने चलेंगे, चलो। क्या खा रही है भैंस? नम नम खा रही है। अक्षु कह रहा भैंस ना उस टाइम खाना खा रही थी ना, ठीक है मम दे रही मैं। हाँ देखो चिया, आ जाओ चिया, कहाँ गई चिया? यहाँ पे मस्तू लेके आ गई है मटर, तो मैंने मस्तू को बोला तू मटर छील दे। क्या बाबा बाबा, हाँ बस इतनी बोतल क्या क्या भैंस है? भैंस भैंस कहाँ रहती भैंस, कहाँ पे? सो यहाँ पे मस्तू ने कर दिया है टमाटर प्याज चॉप, और
थोड़ी सी मटर भी छील दी है, थोड़ी बहुत है क्योंकि शायद अभी मस्तू ने थोड़े से चावल भिगो रखे थे कि थोड़े वैसे वाले चावल है ना, क्या बोलते उसको, पुलाव वाले चावल, तो ये थोड़ा पानी ज़्यादा खाते हैं। तो बस तब तक मैंने कुकर रख दिया है यहाँ पे और अक्षु मस्तू को खिला रही है, अक्षु को मस्तू खिला रही है भगवान। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा पुलाव बनने वाला है, अभी देखेंगे सीटी मरवा के कैसा बनता है। इस चावल में ना थोड़ा दिक्कत रहती है जरा। अक्षु यहाँ पे इतना मजा आ रहा है, यहाँ पे सदा लॉट पॉट हो रहा है और ये रही अक्षु की गाड़ी। अक्षु खड़ी हो अक्षु। सो यहाँ पे बन गया है पुलाव और मस्त तूने राजमा भी ना रखी थी तो मैंने चल राजमा भी डाल दे थोड़ी सी, और ये सास जी ने यहाँ पे दही जमा रखी है बिल्कुल कट पीस वाली दही। ये देखो दही बिल्कुल ऐसे लग रही है, मतलब जैसे वो नहीं होता क्या बोलते मक्खन, सही पकड़े हो। चलो अरे अच्छा मांगे सबसे पहले इसको ज्यादा पसंद है ना पुलाव, तो इसने बोले यार पुलाव बनाते हैं आज इसीलिए। अक्षु अक्षु लो आपके लिए ये, चलो चलो गिराना नहीं ठीक है, चलो